2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार नया इतिहास रचेगा, क्योंकि लगातार दूसरी बार बनने जा रही है बहुमत की सरकार। अब बीजेपी के ये दावे कितने सही साबित होंगे ये तो 23 मई को सबके सामने होगा, मगर 2019 के चुनाव में एक रिकॉर्ड जरूर बन गया है कि आजादी के बाद इस बार हुई है सबसे ज्यादा वोटिंग। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान को लेकर नेताओं ने अपील की, सितारों ने आग्रह किया और जनता ने इसे माना और वो कर दिखाया जो आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। जी हाँ, इस बार आम चुनाव में जनता ने वोटिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी जनता ने जब 2014 में बंपर वोटिंग की थी तब कहा गया था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, और अब 2019 में उन्हीं लोगों ने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया इतिहास रच दिया। लंबी लंबी कतारों में लगकर सभी ने पिछले चुनाव के मुकाबले 1.16% ज्यादा वोटिंग की। इस बार 542 सीटों पर जनता ने 67.11% मतदान किया है। 2014 में 543 लोकसभा सीटों का वोटिंग प्रतिशत 66.44% था। पिछले 16 लोकसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम ज्यादा होता रहा है। 1951 में पहले चुनाव में वोटिंग प्रतिशत सबसे कम था, जो 45.67% था। 1957 में 47.74% वोटिंग हुई। 1962 में कुल वोटिंग 55.42% हुई। इसके बाद 1967 में वोट प्रतिशत में काफी उछाल आया, क्योंकि ये पहला चुनाव कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। 1967 में 61.33% वोटिंग हुई थी। 1971 में 55.88% मतदान हुआ। 1977 में 60.49% और 1980 में 56.92% हुआ। 1984 से 85 में 64.01% वोटिंग हुई। 1989 में 61.95% जनता ने मतदान किया। 1991 से 92 में 55.88% वोटिंग हुई। 1996 में 57.94%, 1998 में 61.97% मतदान हुआ। 1999 में 59.99% वोटिंग हुई। 2004 में 57.19% वोटिंग हुई। 2009 में 58.19% और 2014 में 66.44% वोटिंग हुई। मगर इस बार सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं, जो अपने आप में काफी खास है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।